मैं इस समय एक और व्यक्ति का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा, हमारे जो अध्यक्ष है एडवोकेट सुनील मनोहर जी, महाराष्ट्र के पूर्व महाअधिवक्ता वो रहे हैं, एक बहुत ही सीनियर एडवोकेट है, बहुत ही बिजी रहते हैं, लेकिन उन्होंने इस हॉस्पिटल के लिए अपना बहुत समय लगातार हमको दिया है। बार बार वो यहाँ पर आकर पूरे तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ पर जो अड़चने होती है उसको दूर करते हैं। तो जिस समय हमने 2015 में उनको बागडोर दी, उस समय हमको भी ये लगा नहीं था कि वो इतना समय दे पाएंगे, लेकिन अपने कार्य को कुछ समय बाजू रखकर भी वो यहाँ पर समय देते हैं, इसलिए मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो एक व्यवस्था खड़ी की है, ये आम लोगों के लिए खड़ी की हुई व्यवस्था है। वैसे तो हम सब लोग ईश्वर से प्रार्थना करें कि किसी को भी यहाँ पर आने की जरूरत ही न पड़े, लेकिन बहुत दुर्दैव की बात है कि कैंसर ये बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है, इसलिए हम लोगों ने ये भी तय किया है कि हम लोग बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग कैंप्स ले रहे हैं। अगर कैंसर बहुत जल्दी डिटेक्ट होता है या प्री कैंसर स्टेज पर चीजें ध्यान में आती है तो इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, तो वो भी एक हमारा प्रयास है। लेकिन यहां पर आने की जरूरत न पड़े, पर अगर किसी को आने की जरूरत पड़ती है तो उसको पूर्ण स्वास्थ्य लाभ हो, डेडिकेशन के साथ सभी की व्यवस्था यहां पर हो, इस प्रकार का प्रयास हम सब लोग मिलकर निश्चित रूप से करेंगे। मैं फिर एक बार हमारे सारे जो ट्रस्टीज हैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, उनकी डेडिकेशन के लिए उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, और समय समय पर जिन लोगों ने इसमें योगदान दिया उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। और इतना ही कहता हूं कि आने वाले दिनों में ये यात्रा आगे जारी रहेगी, इसको अच्छा और अच्छा और उससे और अच्छा कैसे कर पाए, ये प्रयास हम करते रहेंगे।